आदर आदाब, अभिनंदन आभार। मैं मानस और स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से सफरनामे में। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा जोरदार, एकदम धमाकेदार वीडियो आपके लिए फिर से मैं लाया हूँ। तो जिस तरह से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाई आप लोगों को ज़मीन लेना है, अपना दिल्ली NCR में जल से घर बनाना है, तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त और प्राइम लोकेशन पर लेके आया हूँ, जहाँ पर आप लोगों को सबसे रीजनेबल, सबसे लोएस्ट प्राइस में बेसिकली यहाँ पर प्लॉट, ज़मीन का ऑप्शन मिलने वाला है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए यहाँ पर पूरा घर बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, मतलब लोकेलिटी और बसावट के बीचों बीच आज हम आप लोगों को जमीन दिखाने वाले हैं, और बहुत ही प्राइम लोकेशन, सारी फैसिलिटीज के साथ। तो ये सब आप लोगों को कहां मिलेगा? श्री कालकामा रियल एस्टेट पे। तो चलिए मिलते हैं सर से, देखते हैं कहां की लोकेशन है, कहां की साइट है, क्या फैसिलिटीज है, क्या सुविधा है, कैसे आप लोग लेंगे और प्राइसिंग क्या पड़ रहा है, सारा कुछ बताता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, श्री कालकामा से किशन सर मेरे साथ आ गए। नमस्कार भैया, कैसे हैं? नमस्कार भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। तो सर, आज हम अपनी वीडियो में क्या धमाका कर रहे हैं, कहाँ की हम लोकेशन, कहाँ की साइट दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को, क्या प्राइस देने वाले हैं? भाई साहब, बहुत ही सस्ता। अच्छा, सर्कल रेट पे मात्र। अच्छा, मतलब सर्कल रेट पे ही दे रहा हूँ, जो गवर्नमेंट की नजरों में रेट है, वैसे तो उससे हमेशा हाई बिकती है जमीन, मैं उसी रेट पे दे रहा हूँ। अच्छा जी, और वो भी ऑफर के साथ। अच्छा, जो भी रहेगा इसमें, जो भी सर, जो भी प्लॉट अगर मुझे कैश में लेते 3 महीने के टाइम पे, उसे LED फ्री, 32 इंच की स्मार्ट एंड्रॉइड। अरे वाह, क्या बात है! मतलब 15 से 20 हजार रुपए की जो LED आती है वो फ्री फ्री, और बुकिंग अमाउंट पे सर 11 हजार की बुकिंग अमाउंट हो गए तब LED साथ ले जाओ। क्या बात है दोस्तों, देख सकते हैं दिल्ली NCR में सबसे रीजनेबल, सबसे सस्ता प्लॉट अगर आपको चाहिए तो आपको सर से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो सर, ये लोकेशन हमारी कहाँ की होने वाली है? सर, ये साइट होने वाली है आपकी, ये पलवल में है, बंचारी रेलवे स्टेशन के और आपके सोलाकर रेलवे स्टेशन के पास, मरौली गाँव का रकबा जो होता है, यहाँ की तहसील होटल पड़ती है, और डिस्ट्रिक्ट आपका पलवल है ही। ठीक है, और स्टेट की बात करें तो हरियाणा लगता है। ओके सर, अगर आप बात करूँ, जो हमारे नए व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये बताइए कि दिल्ली से लोकेशन या बदायपुर से अपने कितनी दूर पड़ती है? सर, दिल्ली से मात्र ये आपका 1 से 1.25 घंटे का रास्ता है, मतलब 60 किलोमीटर दूरी पे आपकी लोकेशन होने वाली है। अच्छा, और सर दिल्ली में भी ना, अगर एक कोने से आप दूसरे कोने जाते हैं तो सर 1 घंटे का रास्ता बिल्कुल आराम से, आराम से जी। अपनी साइड पे आने दिल्ली में अगर आप 10 किलोमीटर भी जाओ तो आपको 1 घंटे का टाइम लगना है। 1 घंटे का रास्ता है सर आपका बदरपुर बॉर्डर दिल्ली से। तो दोस्तों, देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन प्रॉपर्टी के रेट कितने हाई हो रहे हैं, डेवलपमेंट कितना ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पे हो रहा है। तो आप लोगों को सबसे लोएस्ट प्राइस में हम आप लोगों को यहाँ पर आज हम प्लॉट दिखाएंगे। तो सर, यहाँ पर जो प्राइस होने वाला है ये क्या होगा? सर, मात्र 3,000 रुपये गज, मतलब 50 गज के प्लॉट की कीमत भी सिर्फ 1.5 लाख रुपये होने वाली है। अच्छा जी, 30 गज लेता है तो मात्र 90,000 रुपये में। क्या बात है, मतलब बात करूं तो 300 रुपए पर स्क्वायर फीट। बिल्कुल सर, क्या बात है दोस्तों, देख सकते हैं मतलब यूपी में भी इससे महंगी जमीन आप लोगों को मिलती है। अगर आप किसी अंदर से अंदर गांव में भी चले जाओ तो आप लोगों को दिल्ली NCR में मात्र 300 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सर, यहां पर जमीन NCR के साथ साथ सर जेवर एयरपोर्ट के पास की नजदीकी 15 जो एशिया का 4th नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट जो इतना हाईलाइट है, वो भी यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पे। सर क्या बात है, मतलब सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाओं के साथ यहाँ पर आप लोगों को जमीन मिल जाएगी। तो दोस्तों, ज्यादा वेट ना करते हुए सीधे ले चलते हैं आप लोगों को साइट पे, सारी फैसिलिटी, सारी लोकेशन वगैरह सब कुछ बताते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को, देखिए KMP एक्सप्रेसवे यहाँ पे मिल रहा है, मतलब जो आपका मेन हाईवे का जो सेंटर पॉइंट है वो बेसिकली यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से आप लोगों को बड़े बड़े जो हाईवे है उसकी कनेक्टिविटी सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, ये मुटकटी आपका कट दे रखा है, और यहाँ से हार्डली आपका थोड़ी दूर पे अपनी डिस्टेंस पे अपनी साइट होगी, और पीछे हॉस्पिटल दे रखे भैया। हाँ जी बिल्कुल जी, और ये दिल्ली पूरी पक्की सड़क यहाँ से वहाँ तक पूरी बनी हुई है। भैया, अगर बात करूँ तो यहाँ से अपनी जो लोकेशन है कितनी दूर होने वाली है? सर, ये अपनी लोकेशन का रास्ता जा रहा है, 1 किलोमीटर अंदर अपनी लोकेशन है। तो हम आ चुके हैं अभी सोलाकर रेलवे स्टेशन पे, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से आप लोगों को पास में ही रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे मिलने वाला है। और साइट हमारी सर यहाँ से कितनी दूर होने वाली है? वॉकिंग डिस्टेंस सिर्फ अपनी साइड है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मेन साइड पे, जहाँ पर हमारा ये लैंड और प्लॉट होने वाला है। सर, ये लोकेशन अपनी कहाँ, बंचारी से कितना दूर दे रखा है? सबसे पहले सर मैं दिखाना चाहूंगा, ये 22 फीट का रोड जो जी, बिल्कुल आप अगर कैमरा घुमाओगे तो देखोगे सामने 22 फीट का रोड है, और यही वो रोड है जो आपका दिल्ली टू आगरा हाईवे से सीधा आपका जेवर एयरपोर्ट को जोड़ता है। अच्छा जी, बिल्कुल उसी रोड से लगती हुई ऑन रोड साइट है। और अगर मैं नक्शे की बात करूं तो जो हम खड़े हैं ना अभी इस टाइम खड़े यहाँ पे इस प्लॉट के सामने जी, बिल्कुल जी। सामने देख रहे हो कंस्ट्रक्शन का काम और भी चल रहा है, ईंटें पड़ी हुई हैं, लेबर लगी हुई, मतलब दिन पे दिन यहाँ मकान बनने पे है सर। क्या बात है, और बहुत ही देखो वाइड रोड है, आप देख सकते हो 18 फीट का काफी वाइड रोड दिए हुए। अच्छा, ये आपका रोड की जो गली है तो सर अंदर की जो रोड है वो दे रखी है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल जी। देख सकते हैं दोस्तों, मतलब पूरी बसावट के बीचों बीच आप लोगों को यहाँ पर प्लॉट और लैंड मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, आप चारों तरफ अगर देखेंगे तो हर तरफ आप लोगों को देखिए लोग रहते हुए यहाँ पे मिल जाएंगे, बसावट
प्लॉट आप लोगों को मिल जाएगी, घर बने हुए मिल रहे हैं, पक्के घर हैं, ऐसा नहीं कोई कच्चा घर आप लोगों को मिल रहा हो। सर बिजली पानी की सुविधा क्या क्या दे रखी है? बिजली 24 घंटे की है, वाटर सप्लाई का पानी अवेलेबल है, आप अपनी वीडियो में दिखा भी सकते हो, ठीक है, वाटर सप्लाई का पानी अवेलेबल है और रोड हम बना के देंगे। तीन फैसिलिटी तो हमारी तरफ से होती है और आने वाले टाइम पे फैसिलिटीज की यहाँ पे गुंजाइश इतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सर जितने लोग हैं ना इनके आधार कार्ड से लेके ना इनके राशन कार्ड पैन कार्ड सब बन चुके हैं। अच्छा जी, तो क्या है कि सर वोट डालने के लिए अब तैयार ये भी हैं, तो यहाँ के जो आसपास के सरपंच साहब भी हैं ना वो भी वोट के लिए आ रहे हैं और काम कराने के लिए रेडी हो गए। बात हो चुकी है उनकी, आप अपनी कॉलोनी की वोट दिलवाओ हम काम करके देंगे। अरे वाह, तो ये तो हमारी तरफ से हुआ और अगला अलग बेनिफिट और भी मिल रहा है इन सबको। बिल्कुल जी दोस्तों, मतलब देख सकते हैं हर तरीके से आप लोगों को डेवलपमेंट यहाँ पर मिल रही है, कहीं से भी आप लोगों को रहने वाइज कोई दिक्कत नहीं होगी। और सर जैसे मार्केट वगैरह की बात करें तो आसपास मार्केट कितनी दूर है, कितनी होनी चाहिए रहने के लिए? मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर दूरी पे, उससे भी मेरे ख्याल से कम होनी चाहिए, 500 मीटर दूरी पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मार्केट हमने आपको रास्ते में दिखाई दी दोस्तों, पास में ही आप लोगों को लोकल जो शॉप्स है वो मिलने वाली है। और अगर बड़े शोरूम चाहिए रहने के लिए हमें देखना होता है आसपास में पड़ोस जी, जहाँ मकान बना रहे हैं वहाँ अकेले तो नहीं है, रहेंगे किसके सहारे? यहाँ पे 50 मकान आपके अवेलेबल है जिन पे परिवार रह रहे हैं। दूसरा देखना होता है बिजली की सुविधा 24 घंटे की अवेलेबल है, ठीक है। तीसरा देखना होता है पानी, वाटर सप्लाई का मीठा पानी अवेलेबल है। बिल्कुल, इसके बाद देखना होता है सर हमें आस पास में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं तो सारी ही आपके 3 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ अवेलेबल सब कुछ दे रखा है। बिल्कुल सर, मतलब कॉलेज भी है स्कूल भी है, बच्चे अगर पढ़ना चाहे तो सारी फैसिलिटी आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट लोकेलिटी आप लोगों को जमीन खरीदने के लिए, अपने पैसे को डबल ट्रिपल बनाने के लिए होने वाली है, क्योंकि इससे बेटर लोकेशन आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगी। सर जैसे मान लो कोई यहाँ पे लेना चाहे तो क्यों पैसा अपना इन्वेस्ट करे, उसको क्या फायदा होने वाला है? सर मैं तो ये कहता हूँ छोटा सा रीजन है इन्वेस्ट करने का, पहली बात तो कि जिसके पास मकान नहीं है उसे इससे सस्ता प्लॉट अच्छी लोकेशन पे जहाँ इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा हो रहा हो और डेवलपमेंट इतना अच्छा आने वाला हो वो लोकेशन वो भी दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर मिलने वाली नहीं। बिल्कुल जी। दूसरी बात करें मान लो नहीं भी रहना तो अगर हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट रहता है, आप गोल्ड में करोगे ज्यादा ग्रोथ नहीं है, शेयर मार्केट में रिस्क रहेगा। बिल्कुल, एक प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो हमेशा बहुत हाई जाता है, हायर रहता ही है। प्रॉपर्टी दोस्तों एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न सबसे बेहतरीन देगी, मतलब इससे बेस्ट रिटर्न आप लोगों को ना बैंक देगा, ना म्यूचुअल फंड देगा, ना गोल्ड देगा, कुछ नहीं देगा। सर आपने देखा भी होगा हमारे पुराने बुजुर्ग कहते भी हैं कि मैंने इस लोकेशन पे मुझे प्लॉट मिल रहा था इतना सस्ता, 500 रुपए गज मिल रहा था, मैंने उस टाइम छोड़ दिया जी। तो यही अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं होती। बिल्कुल, आज मिल रहा है, आने वाले 2-4 सालों बाद इस यहाँ का रेट 7-8 हजार होने वाला है। क्या बात, तो सर आज अपॉर्चुनिटी क्यों हम इसे मिस करें? क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं पास में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और उसके बिहाफ पर कितनी हाई डेवलपमेंट आप लोगों को आसपास हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनी से बन रही है यहाँ पर, सारी बड़ी MNC कंपनी आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है यहाँ पे सर। जी 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 बिल्कुल, ओप्पो वीवो और भी तरह की, मतलब अगर आप मैंने कंपनियों के बारे में बात करूं तो सर सारे 1250 कंपनियां आने वाली हैं और 1250 सर बहुत कंपनियां आती हैं। बिल्कुल, एक से दो साल में दोस्तों आप लोगों को इतना जबरदस्त डेवलपमेंट मिल जाएगा कि यहां पर आप लोगों को रहने के लिए जमीन खोजना भी मुश्किल है और उस समय का जो प्राइस होगा वो आप सोच नहीं सकते और आप परचेज नहीं कर सकते, तो ये सबसे बेस्ट टाइम आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए होने वाला है। बहुत बढ़िया ऑफर है जी सर, एक तो कैश में मैंने आपको ऑफर बताया LED का, दूसरा किस्तों पे भी लेना चाहते हो तो सर आपकी मनचाही किस्तें मिलने वाली हैं। अच्छा जी, टाइम आपके मुताबिक मिलने वाला है, आपको 2 साल टाइम चाहिए, 3 साल चाहिए, 4 साल चाहिए, 5 साल चाहिए, चूज करो सर, बताओ मुझे। अच्छा, 5 साल तक के लिए भी किस्त दे सकते हैं आप? 5 साल सर, 10 साल तक भी दो, 10 साल तक। अरे वाह दोस्तों, देख सकते हैं इतनी सहूलियत आप लोगों को कोई और डीलर नहीं देने वाला है जो किशन भैया यहाँ पर आप लोगों को देंगे। 10 साल के लिए आप लोगों को ब्याज मुक्त किस्त रहेगी सर? बिल्कुल ब्याज मुक्त। दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए आप लोगों को मेन रोड भी मिल रही है जहाँ पर ये भैया बाइक से जा रहे हैं और ये देख लीजिए ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि बिजली पानी सड़क सारी चीजें बेसिकली आप लोगों को मिल जाएगी। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर सड़क भी बना रखी है, ये देखिए ईंट वगैरह की भी सारे इंतजाम यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। जिन लोगों को अभी यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनवानी है, जिन लोगों को मकान बनवाना है, उन लोगों के लिए बेसिकली यहाँ पर ईंट आप लोगों को मिलने वाली है, तो भट्टी भी है, तो सारी सुविधाएं आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, कहीं से भी कोई दिक्कत आप लोगों को किसी चीज में नहीं होने वाली है। और देखिए जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी लोग करवा रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि सुविधाओं में कोई भी कोई कमी आप लोगों को नहीं होगी यहाँ पे। सर अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्री वगैरह की बात करूँ तो किस तरह से होने वाला है? डॉक्यूमेंट सामने लेकर आया हूँ। अच्छा, बात नहीं कर रहा कि मैं दिखाऊंगा बाद में, आप ऑफिस आओगे तब दिखाऊंगा, और वो डॉक्यूमेंट लेकर बैठा हूँ हम जो आपने मकान दिखाया जिस मकान पर बैठ के हमने बात ही की है। अच्छा, उन्हीं का उनका है, आप किसी से पता करोगे, चंचल जी का मकान है, उनकी रजिस्ट्री सामने है आपके, और रजिस्ट्री में देखने वाली चीज क्या होती है वो भी आपको बताता हूँ। दोस्तों ये देख लीजिए आप लोगों को करंट डेट की रजिस्ट्री मिल रही है, देखिए 10 मार्च 2022 की आप लोगों को रजिस्ट्री मिल रही है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को 1 साल या 1.5 साल पुरानी हम रजिस्ट्री दिखा रहे हैं,
और सर करंट लेटेस्ट रेट से सर्कल रेट की बात की थी, देख सकते हो 3000 रुपए गज का सर्कल। अच्छा जी, ये देख लीजिए दोस्तों, ये रेट भी आप लोगों को मेंशन यहां पे मिल रहा है, मतलब जो रेट आप लोगों को बताया जा रहा है उसी रेट में मिलेगा भी। सर दूसरी चीज दिखाता हूं, दिखाना चाहता हूं मैं, लोग कहते हैं सर कि ये आपकी 143 में है नहीं है, आर जोन में है नहीं एग्रीकल्चर, ये दिखा रहा हूं आपकी आपकी कन्वर्टेड है, निवासी आपका लिखा हुआ है, भूमि का विवरण निवासी लिखा हुआ है। अच्छा जी, और सर सबसे बड़ी बात ना, अर्बन सेंटर के पास की जगह है। अच्छा, मतलब आस पास में कई सेक्टर आने वाले हैं, 12 से 15 सेक्टर उनके पास लगती हुई जगह, मतलब रेजिडेंशियल पूरा देखिए आप लोग एरिया ही रहने वाला है। तहसीलदार के सर साइन दिखाओ, आप मोहर भी दिखा सकते हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये देखिए, और हर पेज पे जो देखने को मिलती है आपको, ये मतलब इतना डिटेल में आप देख सकते हैं दोस्तों, रजिस्ट्री आप लोगों को कोई नहीं दिखाता, कीला खसरा सारा नंबर लिखा हुआ है, आप सारा तहसील होटल पड़ती है, चेक करा सकते हो आप। अच्छा जी, अच्छा, ऑनलाइन फोटो देख सकते हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, देख सकते हैं जिन्होंने सेल किया है उनकी फोटो है, जिन्होंने परचेज किया दोस्तों उनकी फोटो है, साइन वगैरह देख सकते हैं आप लोग प्रॉपर यहाँ पर है, डेट देख सकते हैं लेटेस्ट डेट आप लोगों को देखिए, इस तरीके से रजिस्ट्री वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। सर ये तो रही रजिस्ट्री की बात, इनकी मोटिवेशन दिखाता हूँ, करंट डेट की आपने रजिस्ट्री देखी, इन्हीं के नाम क्या, इन्हीं के नाम चंचल नाम दिखाया जी, अब आप देख सकते हो सीधे चंचल नाम से इनकी मोटेशन तक चढ़ चुकी है। मोटेशन भी देखिए आप लोगों को पक्की एकदम मिलने वाली है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आप लोगों को जेन्युइन डील आप लोगों को श्री कालकामा रियल एस्टेट से मिल जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वाइज कहीं से भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट टाइम आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए होने वाला है, क्योंकि अभी नहीं तो आप कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो आपको रेट मिल रहा है वो 300 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को देखिए दिल्ली एनसीआर में जमीन मिलेगी, मतलब 3000 रुपए पर गज के हिसाब से। सर मान लीजिए कोई आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे, जमीन लेना चाहे, तो किस तरह से संपर्क कर सकता है आपसे? सर स्क्रीन पे नंबर चल रहा है जी, ऑफिस मेरा बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली के टच में बैठा हूँ, बिल्कुल क्या दिल्ली में ही बैठा हूँ जी, आपका बदरपुर बॉर्डर नियर बाय टोल टैक्स पे आप आके मुझे कॉल करें, आप भाई बस आ सकते हैं, भाई मेट्रो आ सकते हैं, एक कॉल करें, आपकी कॉल पे आपको लड़का पिक करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट साइट विजिट कराई जाएगी। अच्छा जी, तो दोस्तों ये आप लोगों को हमने प्लॉट दिखाया, साइट दिखाई, देख रहे हैं बहुत ही जबरदस्त लोकेशन पे आप लोगों को देखिए इस तरीके से जमीन मिलने वाली है, मतलब कॉलोनीज के बीच में, बसावट के बीचों बीच में, रिहायश के बीच में, कहीं से भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी अगर आप बना करके रहो या भविष्य के वाइज भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो जबरदस्त आप लोगों को ये पूरी साइट होगी, मात्र 300 रुपए स्क्वायर फुट, जी हाँ 300 रुपए स्क्वायर फुट के रेट में आप लोगों को दिल्ली एनसीआर में प्लॉट मिल रहा है। तो क्या सोच रहे हो यार, फटाफट आओ और यहाँ पर अपने पैसे को डबल से ट्रिपल बनाओ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी, पसंद आएगी, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं ताकि आप लोगों का काम काफी ज्यादा आसान हो सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, लाल कलर बटन होता है उसको दबा करके, उसके घंटी का ऑप्शन होता है तो टर्न करके उसको मार दीजिए। तो अभी फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान ना करिए और यूं मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।